सोमवार की शाम कार ते मोटरसाइकिल की आमो सामने हुई टक्कर विच एक नौजवान की मौत हो गई ते एक बच्चे समेत तीन जख्मी हो गए। फगवाड़ा के पिंड सानी नेड़े हुए इस जबरदस्त हादसे विच मारे गए नौजवान की पहचान कमलजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह वासी नसीराबाद वजो हुई है। यह हादसा उस समय वापरिया जदों कमलजीत सिंह अपने पिंड दे ही मनजीत सिंह अते 4 साला बच्चे कुलराज नाल मोटरसाइकिल ते जा रहा सी। किसानी अते खलियान विचकार सामने आ रही कार जिसनों की थाना बहराम विखे ड्यूटी कर रहा ASI सरबजीत सिंह वासी पांस्टा चला रहा सी ना मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे समय कार की रफ्तार कितनी तेज होगी इसका अंदाजा कार की हालत नू देख के लगाया जा सकता है। हादसे विचों चारों जाने जख्मी हो गए जिन्हों चो ASI सरबजीत सिंह नू सिविल हस्पताल फगवाड़ा विखे दाखिल करवाया गया ते बाकियां नू निजी हस्पताल विखे दाखिल करवाया गया। जख्मी कमलजीत सिंह की हालत नू नाजुक देखते हुए लुधियाना रैफर कर दिता गया ते उत्थे उसकी मौत हो गई। कमलजीत अपनी एक भैन का इकलौता भरा सी जो पिछे अपनी माँ भैन पत्नी ते 4 साल बच्चे नू छड़ गया है। मृतक कमलजीत सिंह दे मामा गुरदेव सिंह ने दोष लगाया कि ASI सरबजीत सिंह नशा करके कार चला रहा सी ते उसकी कार विचों चूरा पोस्त भी बरामद होया है जिसलिए उसने पुलिस पासों कार्रवाई की मांग की है। सर मैं गुरदेव सिंह पिंड नसीराबाद जो कि मैं मेरा भांजा कमलजीत सिंह तेल लैन जा रहे थे रावल पिंडी मंगू शाह के कोल एक्सीडेंट होया जो कि सामने तो कार आ रही थी उस कार के नाल एक्सीडेंट होया बहुत भयानक एक्सीडेंट सी। वो मुंडे को चक के फगवाड़े लै गए चाली लाख डैमेज हो गए थे। फगवाड़े वाले ने वो रैफर करता जी BMC लुधियाने लुधियाने जाके डैथ हो गई जी। असी आस करते हाँ प्रशासन को सानू इंसाफ दिता जाए जेडे बंद ने गुनाह किया उन्हें सजा दी जाए। वो बंदा जी पांचे का ASI है वो सरपंच है पांचे का वो ब्रदर है जी तो साढ़े गुआढ़ी है जी मैं वैसे वह नाम नहीं मैं पता जी इतना पता भी वो सरपंच का ब्रदर आ ASI आ नवे शहर लगा हुआ तो ड्रैंग उन्होंने रजिया की हुई सी को डोडे से वह भी असं कल मिले से वो मूही मारी बनाई से वो SHO साहब ने फड़ाते डोडे डोडे उन्होंने गड्डी चो निकले है जी तो तुम प्रशासन तो की मांग करते हो प्रशासन तो मांग करते हैं जो नशे बेचने वाले उसको नत्थ पाई जाए ये ब्लैकर है जी ये भुला नहीं कर सकते किसी का नुकसान कर सकते। उधर हादसे की सूचना मिलदियां ही SHO थाना रावलपिंडी मनजीत सिंह अते चौंकी इंचार्ज पांस्टा सब इंस्पैक्टर गुरजीत कौर पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुंचे जिन्हां ने जख्मियों नूं हस्पताल पहुंचाया। सब इंस्पैक्टर गुरजीत कौर ने दस्सिया कि पुलिस वल्लों मृतक के रिश्तेदारां दे बयानां ते मामला दर्ज किया गया है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ASI ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਨ ਆਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਰਹਾਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੁਲਰਾਜ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DMC ਦਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 278-304-A 427-338 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।